मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कलकत्ता के हमारे मुख्यमंत्री को लेटर लिखे हैं कि वहाँ महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है इस तरह की कि उसमें आप संभालो, पर आप किसी के घर को झांकने के पहले अपने घर को देखिए, अपने राज्य को देखिए। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में अभी क्या हो रहा है, आदिवासी बच्चियों का अपहरण हो रहा है। आप सरगुजा में, प्रतापपुर में बच्ची की अपहरण हो गई, जसपुर में बच्ची की अपहरण हो गई, आपके गरियाबंद में बच्ची के 16 साल की दो दो बच्चियों का अपहरण हो गया, मतलब। और ये सब आदिवासी बच्चियां हैं, आदिवासी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है। आपके कवर्धा में देखिए, वहां की महिलाओं की हत्या हो जा रही है, महिलाओं को जला दिया जा रहा है। पुलिस ऑफिस के सामने, अधीक्षक का ऑफिस के सामने में दो माँ और बेटियों को जलाकर मारकर उनके घर के अंदर रख दिया गया है। तो इस तरह की स्थिति आज छत्तीसगढ़ में उत्पन्न हो रहा है और हमारे मुख्यमंत्री कलकत्ता के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, पहले अपने घर को संवारिए, अपने घर को देखिए, उसके बाद आप दूसरे के घर को झांकिए। देखिए, जो कांग्रेस का जो बयान आया है, मैं यही कहना चाहूंगी कि महिला चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे पश्चिम बंगाल की हो, चाहे अन्य किसी भी राज्य की हो, सबसे पहले तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी, दूसरा एक महिला होने के नाते मुझे लगता है कि थोड़ा सा संवेदनशीलता अपने बयानों में होनी चाहिए, क्योंकि तकलीफ महिलाओं की चाहे छत्तीसगढ़ हो, अन्य राज्य हो, एक जैसी रहती है। और कांग्रेस का जो चरित्र है वो पिछले 5 साल में हम सबने देखा है, जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के दुष्कर्म की जो घटनाएं पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में हुई हैं, चाहे वो राखी के दिन की मैं बात करूं, या शिक्षक दिवस की बात करूं, या एसपी कार्यालय के पास में जो पार्किंग में जो घटना हुई थी, मैं उस घटना की बात करूं, लगातार पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया। तो मुझे लगता है कि किसी दूसरे पे इनको कमेंट करने के पहले कांग्रेस वालों को खुद भी देखना चाहिए कि कानून व्यवस्था किस तरीके से छत्तीसगढ़ में रही है। और रहा सवाल जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो पत्र लिखा है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को, तो मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी उनकी चिंता व्यक्त की उन्होंने, और भाजपा के कार्यकाल की, मैं कांग्रेस के कार्यकाल की अगर बात करूं तो इनके ही जो वरिष्ठ नेता थे, हर छोटी छोटी बात में जो ये हमारे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते थे, तो आज इनको चिट्ठी से इतनी तकलीफ किस बात की होने लगी, मैं ये जानकारी चाहती हूँ।